सभी आज को आजकल फ्रेश वीडियो लेकर तो जल्दी से चलते हैं वीडियो की तरफ और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि इस वीडियो में हम पांच ऐसे मिथ बताने जाएंगे जो आप देखते तो लेकिन ट्राई नहीं करते, उसको हम ट्राई करते हैं। तो चलते वीडियो की तरफ, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूंगा कि हम इस वीडियो के जरिए सीजन 15 का रॉयल पास गिव अवे कर रहे हैं। उसके लिए आपको करना क्या होगा, बस 500 सब्सक्राइबर्स इस चैनल पर लाने होंगे। जैसे ही इस वीडियो के जरिए 500 सब्सक्राइबर्स चैनल पर हो जाएंगे तो आपको जो भी जीतेगा, आपको नहीं जो भी जीतेगा या आप हो सकते हो, तो आपको रॉयल पास मिल जाएगा सीजन 15 का। तो जल्दी से 500 सब्सक्राइबर्स करा दो, बाकी रॉयल पास ले लो फ्री में। सो गाइस, आपको इस रॉयल पास गिव अवे को जीतने के लिए करना क्या होगा कि आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट में बताना है अपने मिथ को, अपने ट्रिक्स को, बाकी हम उसको ट्राई करेंगे। बाकी मैंने इंस्टाग्राम की लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन के अंदर, और उसको जाकर फॉलो करना है। तो बस मुझे लगता है आज की वीडियो के लिए इतना ओवरव्यू काफी है, बाकी चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो बिना देरी करे शुरू करते हैं अपना काम, बाकी तुम सब बोलो जय श्री राम। सो गाइस, अभी हमारे जो फर्स्ट मित्र वो है मिस्टर एंड्रू वाइटी की तरफ से। तो इन्होंने कहा कि वीक 3 में जो भी मिशन है 20 लाइक्स हैं वो टीडीएम में जाके अगर हम एनिमी को देते हैं तो क्या हमारे मिशन अपना जो अपने मिशन है वो 20 लाइक लाइक्स वाला तो कंप्लीट होता नहीं होता। तो अभी मैं अभी आपको आरपी सेक्शन में जाके दिखाता हूं, मेरा जो मिशन है उसके अंदर अभी 11 लाइक दे रखे हैं। तो अभी जल्दी से वीक 3 के अंदर जाता हूं। सो गाइस, वीक 3 के अंदर आ चुका हूं। अभी नीचे की तरफ जाके दिखाता हूं कि ये जो कहां गया नीचे, ये देखो 20 लाइक दिख रहा है, गिव 20 लाइक्स टू टीममेट। तो अभी मेरे 11 लाइक हो रखे हैं, 20 लाइक देना है लेकिन 11 लाइक हो रखे हैं। अभी मैं चाहता हूँ इसको ट्राई करके देखता हूँ। तो अभी जल्दी से मैं टीडीएम स्टार्ट कर देता हूँ, और ये टीडीएम स्टार्ट कर दिया हमने, गो। तो ये टीडीएम स्टार्ट हो चुका है और अभी थोड़ा वेट कर लेते हैं और जल्दी से इस गेम को खत्म कर देते हैं। तो कैसे अभी गेम खत्म हो चुका है, और अभी देखते अभी हम अपने टीममेट्स को पहले लाइक देते हैं, अपने जो भी तीनों टीममेट्स हैं पहले इन तीनों को लाइक दे देते हैं, और फिर इनके बाद हम अपने एनिमीज़ को भी लाइक देना स्टार्ट करेंगे, और फिर देखते हैं बाहर जाके कि हमारे लाइक्स बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते हैं। तो मैंने जल्दी जल्दी इन तीनों को लाइक दे दिया, और जो भी है लास्ट सारे बंदे साइबर रेजोल लास्ट वाला उसको भी दे दिया। अब बाहर जा रहे हैं, अब जाके देखते हैं, मैं आ गया आरपी सेक्शन के अंदर, अब देखते हैं मेरे लाइक्स बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते हैं। तो वीक 3 के मिशंस में यस गाइस, ये लाइक बढ़ चुका है मेरा। आपने आप पीछे जाके देख सकते हो कि मेरे 11 लाइक्स थे, अब ये 18 हो चुके हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मिस्टर एंड्रू वाइटी का ये मिथ बिल्कुल कंफर्म है। तो जाके जल्दी से इस मिशन को कर लो। सो गाइस, अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट मिथ की तरफ। सो गाइस, अभी हमारा जो नेक्स्ट मिथ है वो है तनिष्क नौवर की तरफ से। उन्होंने बताया कि हम मोली फेंकने के बाद उसके ऊपर चढ़ के स्कोप नहीं खोल सकते लेकिन फायर जरूर कर सकते हैं। तो अभी देखो मेरे हाथ में मोली है, मैं फेंक देता हूँ सामने की तरफ। जैसे फेंकूंगा अभी इसके ऊपर जाके फायर करूंगा, ये मैंने फेंक दिया, अभी जाके फायर करता हूँ और मैं स्कोप खोलने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ लेकिन स्कोप नहीं खुल रहा है। अभी मैं इसको थोड़ा सा फिर से ट्राई करके देखूंगा, अभी मैं पूरा स्कोप खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं हो पा रहा है। मैं फिर से जाऊँगा, इस बार स्कोप खोल के जाऊँगा, पहले पीछे से स्कोप खोल के जाऊँगा। अब देखते हैं, फिर से मोली फेंकते हैं, जल्दी से मोली उठा ले, मोली उठा ली मैंने। अब मैं पीछे से थोड़ा सा स्कोप करके जाऊँगा, देखो आप ये मैंने स्कोप करा, अब देखो मैं आगे जरूर जाता हूँ, ऑटोमेटिक स्कोप बढ़ गया। तो इसका मतलब ये हो कि भाई का मिथ बिल्कुल कन्फर्म था। तो चलते अब हमारी नेक्स्ट मिथ की तरफ। सो कैसे हमारे जो नेक्स्ट मिथ है उसके अंदर बताया कि बग्गी को हम फोड़ सकते हैं डीवीएस की सिर्फ 6 बुलेट से। तो अभी ट्राई करके देखते हैं, अगर ये फूट जाती है ना तो भाई डीवीएस बहुत काम की गन है, क्योंकि पास में बग्गी वाला आता है उसके जल्दी जल्दी फोड़ देंगे। तो अभी देखते हैं, बग्गी के ऊपर फायर करना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने पहला, दूसरा, तीसरा, 4, 5, 6 मैंने फायर कर दी और बग्गी तो फटी नहीं, लेकिन धुआं निकलना स्टार्ट हो गया है। सो गाइस, अभी हमारी बग्गी तो फटी नहीं, 6 बुलेट से अगर फट जाती है तो यार बहुत काम की होती है डीबीएस गन में। इसको हर गन में उठाता, अगर गेम में सॉरी गन भूल गया यार, हो जाती कभी कभी गलती। तो इसका मतलब ये हुआ कि यार ये मिथ बस्टेड है। तो अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट मिथ की तरफ। सो गाइस, हमारा जो नेक्स्ट मिथ है रवि सुली केरी 87 की तरफ से। तो इन्होंने बताया कि हम बग्गी को फोड़ सकते हैं अगर कोई बंदा राइड कर रहा होगा बग्गी के ऊपर। तो अभी ट्राई करके देखते हैं, अभी मेरा टीममेट बैठा हुआ है इसके ऊपर, और अभी देखते हैं बग्गी फटती नहीं फटती। तो अभी देख पा रहे हो मैं इस पर फायर कर रहा हूँ और बग्गी के अंदर से धुआं निकलना स्टार्ट हो चुका है। अब दूसरी फायर में ये फटती नहीं फटती, ये देखना है। सो यस गाइस, ये तो फट गई, दोबारा ट्राई करके देखते हैं, दोबारा बग्गी को लाते हैं, फिर उस पर देखते हैं कि बग्गी फटती नहीं फटती। जल्दी से लाते हैं बग्गी को और अपने टीममेट को फिर से अपने बकरा बनाते हैं। तो अभी देख पा रहे हो बग्गी सामने, फिर से फायर करेंगे, अब देखते हैं ये फटती नहीं फटती। तो धुआं निकलना स्टार्ट नहीं हुआ यार इस बार, देखते हैं यार। यस गाइस, फट गई, इसका मतलब ये हो कि यार भाई का मिथ बिल्कुल बस्टेड है। चलते हैं भाई नेक्स्ट मिथ की तरफ। सो गाइस, अभी हमारे जो नेक्स्ट मिथ है उसके अंदर बताया कि डेजर्ट ईगल का डैमेज AKM के 1 बुलेट के डैमेज से बहुत ही ज़्यादा है। अभी ट्राई करके देखते हैं, अभी मैं देखा अभी मेरे टीममेट के पास में भी एक AKM थी, अभी उससे मैं डैमेज लूँगा अपने ऊपर और देखते हैं कि मेरी हेल्थ कितनी जाती है। तो मेरा टीममेट अभी डैमेज देगा मेरे को,
देखा अभी मेरी लगभग लगभग 75% या 80% हेल्थ बची है। अब दोबारा से ट्राई करते हैं। अब देखो उसके पास डेजर्ट ईगल है। अब मैं डेजर्ट ईगल का डैमेज अपने ऊपर लेता हूँ। अब देखते हैं कि हमारा हेल्थ कितना जाता। तो गाइस जैसे भी मेरा टीममेट मेरे को डैमेज देगा तो जब तक आप कमेंट सेक्शन में जाओ और बताओ आपकी मुझे भी कितना डैमेज मिल सकता है। तो मेरे पास अभी आपके पास अभी 5 सेकंड है तो जल्दी जाओ। तो भाई डेजर्ट ईगल का डैमेज आप स्क्रीन पे देखो और रेकेम का डैमेज आप देखो, काफ़ी ज़्यादा है ना। अब मैं लास्ट मिथ बता रहा हूँ, इसके अंदर मैं बस थोड़ा सा फन मिथ ट्राई कर रहा था कि और देख रहा था कि हम लिविंग मैप में लास्ट में जाते हैं और देखते हैं कि एरोप्लेन कहाँ तक जाता है। कि अभी आपने नोटिस करा होगा अभी कोई चीज़ दूर जाती होती है तो छोटी होती है। तो मेरे को ये देखना था कि लिविंग मैप के अंदर हम इस प्लेन से कूद जाएंगे तो क्या लिविंग मैप के अंदर छोटा आता है। तो देखना अभी मेरे साथ क्या होता है जब मैं लास्ट में इसके साथ कूदता हूँ। तो गाइस अभी देखो जैसे मैंने प्लेन से अभी जंप लगाया, अब देखना मेरे साथ क्या होगा। मैं इस प्लेन का पीछा करते हुए आगे जाता हूँ और ये तो गायब होती ही होती है और मेरे साथ देखना क्या होता है। ये क्या हुआ देखो आप, एकदम से मैं एफपीए पे ऑटोमेटिक स्विच हो गया आसमान के अंदर। तो आप भी कभी इस चीज़ को ट्राई करना, लेकिन ध्यान रखना कि आप क्लासिक स्क्वाड या जिसमें भी आप रैंक पुश करो उसमें नहीं जाओ, नहीं तो आपके साथ ऐसी दुर्घटना हो सकती है, आप ख़त्म हो सकते हो। बाकी आप बताओ ये आपकी मिथ कैसी लगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय। We'll be right back.